नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करता हूँ और बाइंग सेलिंग लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक का तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजीज है, सेटअप्स है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, इसमें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। जो स्ट्रैटेजीज मैंने दिखा के आप लोगों को ट्रेडिंग लाइव मार्केट में दिखाता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, वो सब स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिए और जो कुछ भी नहीं दिया हुआ है आप लोगों को जो चाहिए आप लोग सर्च कर सकता है, आप लोगों को मिल जा सकता है, ठीक है। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, जो आप लोगों को 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा खर्चा करके भी कहीं नहीं मिलेगा। और एंजल बुकिंग आस्था टेड एलिस ब्लू अपस्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया, सॉरी 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हूँ निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है। आप लोग इधर से देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का डेली चार्ट, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर से 5 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का, ठीक है। तो इसका मैंने 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, तो इधर ये आज थोड़ा सा ये आप आज थोड़ा सा गैप अपसाइड में ओपन हुआ है, ठीक है। ये अपसाइड में ओपन होके ये पहले थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन अगला दिन का जो लो है वो मतलब लास्ट पैनल का क्लोजिंग ये नीचे का नहीं आ पाया, इसके बाद ये अपसाइड में गया है, ठीक है। तो अपसाइड में गया है, तो अभी फिलहाल जो इसका ट्रेंड लाइन बना है इधर से आप लोग देख सकते हैं, नोट से देखिए, इधर से एक ट्रेंड लाइन गया है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन गया है, ठीक है, इसका ये जो ट्रेंड लाइन गया है ये इसका लो एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया है, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका और RSI का जो पोजीशन है, RSI में मैंने इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा, जो कि सबसे अच्छा काम करता है, तो RSI डाइवर्जेंस का। तो इसका देखिए, इसका इधर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका मैंने इधर से इधर ही ब्रेक हो चुका है, तो इसका ट्रेंड लाइन इधर से इतना दूर तक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ और इधर से इतना दूर तक अपसाइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। और इधर से डाउन साइड में इधर से ये ट्रेंड लाइन मैंने ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो इधर से देखिए ये कैंडल ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल का जो लो है 14,745, आप लोग देख सकते हैं इसका लो ये कैंडल में, आप लोग इधर से मैंने कर्सर रखता हूँ, ठीक है, इधर से कर्सर रखता हूँ और इधर से देखिए इसका लो, देखिए एल जो दिख रहा है वो HL, तो 14,745 दिख रहा है, तो 14,745 का नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लोग देख लेते हैं, इसका जो अपसाइड का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप लोग गौर से देखिए, 14,785, ठीक है, 14,785, ठीक है, 14,785 के ऊपर जो चौदह हज़ार सात सौ पचासी, 14,804, ठीक है, ये सब अपसाइड का लेवल दिखेगा, 14,785 के ऊपर 14,804 दिखेगा, उसके बाद जो बाद में जो लेवल आएगा वो ऑटोमेटिक शो करेगा। अच्छा, इधर से देखिए 14,745 ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसका नीचे का जो लेवल है 14,737, ठीक है, 14,737, इधर से देखिए 14,744 चल रहा है, 14,737 नीचे का लेवल है,
और इधर से 14,726, इसके बाद 14,726, 14,707, 14,707, 14,681, ठीक है, 14,681, 14,667, 14,667, 14,656, 14,648, ठीक है, 14,648, और 14,628, 14,628, 14,609, ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। तो देखिए इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, इसका लो गया था, इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, इसका लो गया था 14,700 कैंडल का, 14,745, ठीक है, 14,745 का लो ब्रेक होगा तो ये नीचे का आने का है, ठीक है। तो 14,745 का लो और ब्रेक हो चुका है, देखते हैं ये पीस से आप जा रहा है, तो देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। 14,765 इसका अपसाइड का ट्रेंड लाइन है, 14,765, ठीक है। तो देखते हैं कितना दूर तक ये दे सकता है, ठीक है। इसके बाद इधर से मैंने इसका भी चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन चेन का, ऑप्शन चेन का पहले जो पीसीआर रेशियो है, इधर से पुट का ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए, ठीक है, और इधर से कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए, तो ये एक के ऊपर है, तो मार्केट थोड़ा सा अप साइड में है। और इधर से इसका जो 14,800 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और कॉल साइड में 14,700 में रेजिस्टेंस बना है, 14,000 इधर सबसे ज़्यादा ये कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इधर से इसका जो लेवल है कॉल साइड में, तो ये सॉरी पुट साइड में, इधर की शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। और आई भी थोड़ा सा आई भी बहुत ही गिर चुका है, ठीक है, तो आई भी गिर चुका है, इस समय बुलिश मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, रैली नहीं देखने के लिए मिलेगा, मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगा, किसी भी साइड में रैली देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर से देखिए 14,750 में कॉल शॉर्टिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, 14,750 का लेवल देखिए, ये 14,750, ठीक है। और इधर से जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, देखिए इधर से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है 14,700 का लेवल पे, 750 का लेवल पे, 14,750 का लेवल पे मैंने जिधर कर्सर रखा हूँ, देखिए 30,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग हो रहा है, ठीक है, और कॉल सेलिंग हो रहा है 14,750 का लेवल पे, और 14,700 का लेवल पे, 14,700 का लेवल पे, और 14,600 का, 14,700 और 14,600 का लेवल पे बुक शॉर्टिंग बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, देखिए इधर से बुक शॉर्टिंग जो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, बुक शॉर्टिंग ज़्यादा दिख रहा है। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 14,700 लेवल पे और 14,650 का लेवल पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और इधर से और जो सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है 14,550 का लेवल पे, सॉरी ना 14,600 का लेवल पे, ठीक है, 14,700 का लेवल पे कॉल शॉर्टिंग बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, और बाइंग भी दिख रहा है, ठीक है। 14,600 का लेवल पे, 14,600 का लेवल पे शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है कॉल साइड में, 14,600 का लेवल पे कॉल शॉर्टिंग कॉल शॉर्ट कवरिंग कॉल का शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो मार्केट 14,750 से 14,600 का लेवल के अंदर रहेगा, ठीक है, 14,750 से 14,600 का लेवल के अंदर मार्केट को रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब 14,000 इसका ऊपर भी, 750 के ऊपर भी नहीं जाएगा, और 14,600 का नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सिचुएशन दिख रहा है। अच्छा, इधर से और भी देख लेते हैं, कॉल पुट का जो डिफरेंस है, कॉल पुट का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव दिख रहा है, कॉल पुट का डिफरेंस ये पॉजिटिव दिख रहा है, मार्केट अपसाइड में अभी मूवमेंट का मतलब होने का प्रोबेबिलिटी है। और इधर से ओपन इंटरेस्ट चेंज को भी देख लेता हूँ, ओपन इंटरेस्ट चेंज का जो देख लेता है, ये पुट अपसाइड में है और कॉल नीचे है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा पुट नीचे आ रहा है, तो इसलिए मार्केट का थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इधर से मार्केट का इधर से थोड़ा सा इसलिए गिरावट देखने के लिए मिल रहा है, जब तक कॉल देखिए, कॉल जब ऊपर गया था मार्केट नीचे आया था, कॉल का ओपन इंटरेस्ट जब ऊपर गया था,
से जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया इधर से तो क्लियरली दिखता है तो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा पुट नीचे आ रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है और कॉल साइड का, लेकिन कॉल साइड का इतना बढ़ नहीं रहा है तो इसलिए मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है, तो मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है और इधर से रेंज बाउंड चल रहा है। तो इधर से देखिए आईबी बोर्ड गिर चुका है तो मार्केट रेंज मतलब ज़्यादा रैली नहीं मिलेगा, साइडवेज मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी है। तो फिर से चार्ट पे आता है तो देखिए इधर से 445 का फिर से ब्रेक हुआ था, उसका लो फिर से एक बार इधर से ब्रेक हुआ था लेकिन फिर से ऊपर चला गया था, फिर से इसका नीचे आ रहा है तो देखना पड़ेगा। आप लोगों को ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया हूँ, ठीक है, 737, 726, 707 ये सब लेवल्स हो सकता है, 687 ये सब लेवल्स हो सकता है। और RSI का भी पोजीशन देखिए, इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था, ठीक है, मैंने इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर बनेगा इधर से इतना दूर तक, ठीक है, तो इधर से इतना दूर तक भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा तो इधर भी देख लेता हूँ, ठीक है। और इधर से इसका हाई जो है 14,778, जो इधर से काट सा रखता हूँ 14,778। देखिए इधर जो कैंडल है RSI का जो कैंडल है और चार्ट का जो कैंडल है, ठीक है, तो 14,778 दिख रहा है, 14,778 इधर से 14,778 के ऊपर जाएगा तो ये इधर से 14,778 का लेवल ब्रेक होगा तो ये अपसाइड में जाएगा। तो अभी देखिए 14,736 टच कर रहा है, 14,737 मान लो इसका फर्स्ट लेवल इसका टच कर लिया है, ठीक है, 14,737 का फर्स्ट टारगेट इसका 14,737 इसका फर्स्ट टारगेट था तो इसका 14,737 तक आया है, ठीक है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं इधर से मैंने जो रखा हूँ इधर लास्ट कैंडल पे इसका कट से रखा हूँ, देखिए तो ये 14,735 इसका लो दिख रहा है, ठीक है, तो देखते हैं कितना दूर आ सकता है मार्केट। मैंने बोला था मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगा तो साइडवेज मूवमेंट में थोड़ा सा मतलब अपसाइड डाउनसाइड ज़्यादा ये मतलब मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। और इधर से जब जाए इधर से ये 14,785 के आसपास जब जाएगा इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये साइडवेज मूवमेंट होकर ये नीचे फिर से आ जाएगा 650 के ऊपर, 14,750 14,800 के ऊपर नीचे ऊपर नहीं जाएगा और 14,600 का नीचे भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सिनेरियो दिख रहा है तो ये फिर से अपसाइड में जा रहा है लेकिन लोअर हाई लोअर लो बना के चल रहा है, लेकिन इधर से ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है, इधर से एक इसका लोअर हाई लोअर लो 5 मिनट का चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कितना दूर तक ये जा सकता है, फिलहाल तो ये 745 से 14,735 तक आया था, ठीक है, 14,735 तक आया था 5 मिनट का चार्ट में, मतलब इंटरडे के लिए 5 मिनट का चार्ट में जो लोग मतलब करते हैं तो उन लोग के लिए शायद इसका टारगेट ठीक ही है। तो देखते हैं और भी आता है क्या नहीं आता है, मेरे ख्याल से ये 726 700 के आसपास एक बार आएगा, ठीक है, तो 700 के आसपास आएगा तो ये 650 के मतलब 650 के आसपास ही आने का प्रोबेबिलिटी इसका बनेगा, ठीक है, लेकिन 650 या 600 के नीचे जाना या 600 का नीचे जाना डिफ़िकल्ट है, लगभग 14,750 से 14,750 इसमें इसका अंदरूनी मार्केट आज का क्लोजिंग देने का उस प्रोबेबिलिटी बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ, अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। तो इसी तरह मैं एनालिसिस कर लेता हूँ तो वही आप लोगों को स्ट्रैटेजी आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर से 745 का नीचे जाने के बाद 745 का नीचे ये 700 पहले
737 आया था, ठीक है, सॉरी 735 आया था, फिलहाल ये 700, ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये जो लास्ट कैंडल, ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल देख रहा है इसका, ये जो लास्ट कैंडल देख रहा है इसका लो गया है 731, ठीक है, लो गया है, आप लोग देख सकता है, लो आप लोग देख सकता है 14731, ठीक है। तो इधर से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो इधर आके ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, इधर से ये फिर से ब्रेकआउट दिया है, अपसाइड में गया था, अपसाइड में इधर से पहले, इधर से पहले हम लोग छोटा सा प्रॉफिट बुक करके ले सकता है, लेकिन हम लोग एक बार मार्केट का रेंज जान लेते हैं कि ये 750 से 650 के बीच में रहेगा, तो हम लोग इनके फिर से ऊपर से हम लोग सेल कर सकते हैं कि सात, मतलब ये 750 का नीचे इसका तो आएगा, नीचे 750 का नीचे क्लोजिंग देना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज से आप लोगों को दिखाया था, देखिए 750 में इसका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा है, और 750 में इसका पुट का देखिए ऑलमोस्ट इसका नॉमिनल है 9,44,000 का, अपोजिट में ये 9,698 इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो 750 के नीचे क्लोजिंग होना सबसे पॉसिबल है, 800 में भी 14,800 में भी कॉल शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, रदर इससे ज़्यादा हो रहा है, 750 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 750 में इसका पुट का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, कॉल का हिसाब से, तो 750 का नीचे क्लोजिंग होना पॉसिबल है, और देखिए 650 में देखिए पुट का 14,650 का में पुट का देखिए ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 45,000 दिख रहा है, और उसका हिसाब से उसका हिसाब से कॉल का नेग्लिजिबल है, ओनली 5,000 है, तो 650 का नीचे जाना भी मुश्किल है, इसीलिए मैंने बोला था 750 से 650 के बीच में ये रहेगा, ठीक है, लेकिन 700 का ऊपर भी ये रहना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो इधर पुट का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 44,733, और उधर कॉल का जो शॉर्टिंग हो रहा है 22,043, तो मतलब आधा है, एक बार 600 का नीचे, सॉरी 700 का नीचे भी जा सकता है, लेकिन 700 का ऊपर ही क्लोजिंग देना पॉसिबल है, लेकिन 750 का नीचे क्लोजिंग देना पॉसिबल है। तो देखिए मैंने इधर से हम लोग को बाद में फिर से दिखाया था, फिर से दिखा है कि इधर फिर से ये 731 तक आया है, ठीक है, इससे ये हम लोग पहले प्रॉफिट बुक करके, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके ले सकते थे, फिर से ऊपर से ये जब फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता था, इधर से जब फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक करता था, इधर से देखिए फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है 14,743 से आसपास से, ये 14,007 ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये कर्सर आप लोग देख रहे हैं, सॉरी ये काट सर, ये जो कैंडल, इस कैंडल में ये इधर देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है इधर से, ये RSI का भी इससे ब्रेकआउट दिया है, इसका क्लोजिंग देखिए 14,743, सॉरी इसका लो देखिए 14,743, इसका नीचे इससे आया है 14,731 तक, ठीक है, इसका देखिए इधर जो कर्सर रखा है 14,731 तक ये आया है, ठीक है, तो इसका देखिए इधर से 14,746 का नीचे जो गया है, इधर से एक हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है, ये 14,726 का आसपास ये आ ही चुका था, मतलब 14,731 तक ये आ ही चुका था, ठीक है, तो इधर से इसका स्ट्रॉन्ग पिवट एंड रिवर्स, ठीक है, तो मतलब इधर से इसका आप इतना दूर तक इसका आना चाहिए था, 731 के आसपास से इससे ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन 750 का नीचे इसका जा सकता है, 750 का नीचे ये 707 तक आ सकता है, उसका नीचे 687 तक आ सकता है, ठीक है, मैंने वीडियो फिर से पॉज कर लेता हूँ, फिर से कुछ डेवलप होगा तो आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मार्केट फिर से अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए तो आप लोग एनालिसिस देखा है कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन चेन को भी चार्ट के साथ ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और कहाँ पर रेंज क्या है, कौन सा रेंज पे मूव करेगा, और इसका और IV भी देख सकता है, आप IV देख सकता है, देखिए मार्च के आसपास ये गिर गया है IV, ठीक है, ये जो IV है इसका भी गिर गया है, मोमेंटम क्या हो सकता है, तो ये सब एनालिसिस करके, और इसके साथ ही RSI का जो डाइवर्जेंस में स्ट्रेटजी मैंने देखा है, और ये जो चार्ट का में जो और RSI का जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होता है
तो ये देखिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। आप लोगों को देखा है दोबार इधर से देखिए 1 बजे के बाद 1 बजे के इधर से ये जो ब्रेकआउट दिया था 12:15 बजे, ठीक है 12:15 बजे ये जो ब्रेकआउट दिया था 14,738 से 14,788 तक इस रेंज तक, इसके बाद ये रीजन पर देखिए पूरा साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। उसके अंदर भी मार्केट कभी कभी टाइट रहता है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को दो बार 10 पॉइंट करके दिखा है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर RSI का और चार्ट में जो डाइवर्जेंस बनता है तो उसको ब्रेक करके चार्ट को एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है और ऑप्शन चेन को भी ठीक से एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी एनालिसिस कर सकता है और जो लोग सीखना चाहता है मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।